Okay, next question is what must be added to 3a square minus 5a plus 10 to get 8a square minus 1. अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है. एक रफ इक्वेशन बना लेते हैं हम. व्हाट मस्ट बी एडेड टू, इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करना है. देखिए 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, इसमें आपको ऐड करना है. क्या ऐड करना है आपको नहीं मालूम है, ठीक है. टू गेट, ताकि आपको क्या मिले, ये मिल जाए 8a स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड किया जाए ताकि आपको क्या मिले 8a स्क्वायर माइनस 1. तो हमने यहाँ क्या ऐड करना है ये तो हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये अननोन है. तो अब हम अननोन की जगह कोई भी वेरिएबल रख लेते हैं. सपोज हम रख लेते हैं एक्सप्रेशन ये स्मॉल a है. सपोज हम x रख लेते हैं, राइट. सपोज x एक्सप्रेशन आपको इसमें ऐड करना है. लेट द एक्सप्रेशन टू बी एडेड बी x. सपोज हमको जो एक्सप्रेशन ऐड करना है वो क्या है, x है. ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब जब हम अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अलावा बाकी जो भी कुछ होता है उसको आप लेफ्ट साइड पे से हटा के कहाँ कर देते हैं, राइट हैंड साइड पे. तो हमने क्या किया था, इस एक्सप्रेशन में एक्स ऐड करना है. वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की. देखिए जो भी आपकी अननोन वैल्यू है ना उसको कैपिटल में डाला करिए, ठीक है. जो भी आपको कोई भी अल्फाबेट लेना है अननोन एक्सप्रेशन में, मैं खासतौर पर बता रही हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें आपको कोई भी अननोन वैल्यू लेनी होती है तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिया करें ताकि आप इनके साथ कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी साइड चेंज करके यहाँ ले आइए, राइट. तो क्योंकि जिसकी साइड चेंज करनी है उसको हम बाद में लिखेंगे, जो है पहले उसको लिख लेते हैं. पहले जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिखेंगे, 8a स्क्वायर माइनस 1. ओके, अब देखिए ये एक्सप्रेशन, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है. इस ब्रैकेट से पहले क्या साइन है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि इस ब्रैकेट से पहले क्या है, पॉजिटिव साइन है. तो ये जो पॉजिटिव साइन है यहाँ जाके किस में बदल जाएगा, नेगेटिव साइन में. और एज इट इज इसको आप लिख लेंगे 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, ठीक है. इसी बात को ध्यान से समझ लीजिए, बाकी तो आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है, राइट. ये एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन आता है ना उसको आप पहले ब्रैकेट में लिख लें. ब्रैकेट से पहले क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है. पॉजिटिव साइन यहाँ लगा नहीं हुआ, लेकिन जब भी कोई साइन नहीं होता उसको आप पॉजिटिव मानते हैं. तो यहाँ प्लस का साइन साइड चेंज होके किस में बदल जाएगा, माइनस के साइन में, राइट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है जब आप किसी भी नंबर की, किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी वेरिएबल की साइड चेंज करते हैं. जो भी पॉजिटिव नंबर होता है वो यहाँ नेगेटिव में बदल जाता है. चलिए फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू 8a स्क्वायर माइनस 1 माइनस. अब देखिए क्योंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है तो इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज कर दीजिए. देखिए यहाँ 3a स्क्वायर, इसके साथ क्या साइन है, प्लस का, माइनस कर दीजिए. यहाँ 3a स्क्वायर, यहाँ माइनस का है प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस का है माइनस कर दीजिए. चेंज क्यों करना है वो मैंने बता दिया है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस. अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बिना ब्रैकेट्स बनाए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ए स्क्वायर, 8a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. अब जब मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ ना तो आपको सिर्फ स्क्वायर के टर्म्स देखनी चाहिए. 8a स्क्वायर में यहाँ से थोड़ी देर के लिए इसे हटा देती हूँ, 8a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. तो 8 माइनस 3 इज 5a स्क्वायर, दोनों में कॉमन है. हमने a स्क्वायर सॉल्व कर दिया. अब बात करते हैं a की, तो यहाँ एक ही टर्म है a की, इसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है.
ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए हो गया। अब दो टर्म्स बची हैं, माइनस वन एंड माइनस टेन। माइनस माइनस प्लस, टेन प्लस वन इलेवन। और साइन कौन सा लगेगा यहाँ पर? अब इलेवन ऐसे ही तो नहीं लिखा जाएगा ना, कोई तो साइन लगेगा यहाँ पर। साइन क्या लगेगा? दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसके आगे का साइन। सो दिस इज माइनस इलेवन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यानी वो एक्सप्रेशन जिसको हमें फाइंड आउट करना था वो क्या है, वो ये है, फाइव ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस इलेवन। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे क्रॉस चेक करके तो आपको आंसर मिलेगा एट ए स्क्वायर माइनस वन।